मुंबई के मीरा रोड आजाद नगर में झोपड़पट्टियों में आग लगने से कई झोपड़पट्टियां राख एक की गई जान। वहीं सिंध सरकार ने कहा मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैफिक सुधरा, विमानों के पहुंचने का समय हुआ कम। वहीं नवी मुंबई के रेस्टोरेंट में बाल मजदूरी काम कर रहे दो बच्चों को पुलिस ने बचाया, मामला हुआ दर्ज। मुंबईकरों को पानी का संकट, 5 मार्च तक 15% पानी की कटौती का सामना करना पड़ेगा। भाजपा विधायक आशीष सेलार ने मुंबई में जलापूर्ति स्थिति और मेट्रो कार्यों में देरी पर श्वेत पत्र की मांग की। वहीं थाने में देह व्यापार रैकेट चलाने के आरोप में कव्वाली गायिका हुई गिरफ्तार। वहीं मुंबई में ठगी का मामला, कारोबारी से 3 करोड़ से अधिक रुपए की साइबर ठगी, तो आप सभी लोग सावधान रहे, एक व्यक्ति हुआ गिरफ्तार। मुंबई के आजाद मैदान में पुरानी पेंशन की मांग के लिए उमड़ा सरकारी कर्मियों का हुजूम, मंजूर नहीं एनपीएस और जीपीएस। वहीं एक अच्छी खबर, मुंबई पुणे हाईवे पर 2016 के बाद से दुर्घटना से होने वाली मौतों में 58.3% की कमी आई। वहीं एक और नवी मुंबई में ठगी का मामला सामने आया, फॉरेन करेंसी बदलने के नाम पर 60,000 रुपए की ठगी, 7 लोग हुए गिरफ्तार। मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल का होगा तबादला, चुनाव आयोग ने दिया ट्रांसफर का आदेश। एक अच्छी खबर सामने आ रही है, कैंसर के इलाज में रच गए इतिहास, पूरी दुनिया को पीछे छोड़ टाटा मेमोरियल ने खोज निकाला कैंसर का इलाज, सिर्फ 100 रुपए की गोली से ठीक होंगे लोग। वही एक अजीब मामला, मुंह मांगे पैसे ना मिलने पर ट्रांसजेंडर ने नवजात का किया रेप फिर हत्या की, अब कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा। वही मुंबई के वसोवा में ट्रैफिक पुलिस की हुई पिटाई, मामला हुआ दर्ज। मुंबई के अंधेरी गोखले पुल पर अभी केवल हल्के वाहनों की ही अनुमति। मुंबई में आज की सभी ताजा खबरें पाने के लिए देखते रहिए एसपी अपडेट। थैंक यू।